वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आपको रेलवे एग्जाम देना है तो इस क्यू टेस्ट को अंत तक जरूर खेलिए, क्योंकि इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे रेलवे में कई बार पूछे जाने वाले 20 अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। क्वेश्चन नंबर टू, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। क्वेश्चन नंबर तीन, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर फोर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप को। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? रेलवे के लिए बहुत अच्छा सवाल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलों ने। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो तमिल के लोगों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, सिल्क मार्ग किसने शुरू करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर नाइन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर टेन,
पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेल। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12। प्रधान मध्यान्ह रेखा कहाँ से गुजरती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी की भूमध्यीय व्यास कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12,756 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? लोको पैलेट में सवाल कई बार पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरिस के रंग पर। क्वेश्चन नंबर 16। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? हिंट्स, वे एक भारतीय हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 18। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 19। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरा भारत महान। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर, और आपका स्कोर क्या हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट क्विज टेस्ट था। इसके अनेकों टेस्ट लाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, तो आप उस एपिसोड को मिस ना करें, ज़रूर देखिए।
और यदि आपका स्कोर 8 क्वेश्चन भी सही हैं तो भी चलेगा, अभी भी टाइम है, आप बहुत मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा फोकस कीजिए। यदि आपका स्कोर 15+ है तो समझ लो कि रेलवे ग्रुप डी में आपका जीके जीएस निकलने वाला है। आप मैथ रीजनिंग को ज़्यादा ध्यान दीजिए और करंट क्वेश्चन के लिए भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हो, बट ये फर्स्ट था, सेकेंड बहुत जल्द कल सुबह हो सके तो मिलेगा आपको। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ये फर्स्ट वीडियो है, शेयर ज़रूर कर दीजिए, जो करेंगे उन्हें धन्यवाद।